आपके अपने चैनल जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं मेंदू बड़े। अरे आप सोचेंगे मेंदू बड़े में क्या है, और वैसे मेंदू बड़े की रेसिपी मैंने पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसका लिंक मैं दूंगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं आज आपको दूसरे वाले बता रही हूँ, इंस्टेंट मेंदू बड़े। उसमें तो आपको दाल भिगोनी है, पीसनी है, तब बनेंगे ना। बिल्कुल, मेंदू बड़े ऐसे ही बनते हैं उड़द की दाल से। लेकिन आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट मेंदू बड़े, बिल्कुल 10 मिनट में तैयार हो जाने वाले। जी हाँ, जब आप चाहें नाश्ते में इसे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट, ऊपर से कुरकुरे, अंदर से मॉइस्ट और शानदार बनते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस फटाफट रेसिपी को। ये हमने एक कटोरी सूजी ली, इसमें हमने डाला ये पौन कटोरी दही, और साथ में हम डाल रहे हैं ये सॉल्ट पाउडर, ये हमने आधा चम्मच लिया है। ये काली मिर्च है आधे चम्मच, और साथ में हमने डाली है ये हरी मिर्च कतरी हुई, जो कि हमने दो कतरी है, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें स्वादानुसार नमक, ये हुआ। और अब हम इसे अच्छे से, ये देखिए, मिक्स करेंगे। ये इतना हुआ ना, बहुत अच्छे से। और सूजी के लिए आप इसमें चाहे जैसे ले सकते हैं, मोटी बारीक, लेकिन बारीक होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये हमारा, ये देखिए इतना अच्छे से ये घुल गया, इतना बंध रहा है ना। बस अब इसमें हम डालेंगे ये चौथाई चम्मच ये खाने वाला सोडा, इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इतना हुआ है ना, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, इसका हमको अच्छा सा डो तैयार करना है, तो इतना ही पानी डालेंगे जितने में ये इसका अच्छा सा आटे जैसा गूंथ जाए और बढ़िया सा बन जाए। और ये देखिए हमने इसको, ये बढ़िया से आटा गूंथ गया, जैसे इसका अच्छा सा बन गया। मैंने चौथाई कटोरी पानी लिया, छोटी वाली, यानी दो बड़े चम्मच आप अंदाज से ले लीजिए, या अपने आटे की कंसिस्टेंसी देख लीजिए। बस ये हमारा ये बन के तैयार हो गया। और इसमें आप हरा धनिया भी अपनी इच्छानुसार डाल सकते हैं, मैंने आज नहीं डाला है, लेकिन हरा धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा तैयार हो गया। ये अब हम इसके वड़े बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इतना से एक पोर्शन लिया, और हाथ में लगाएंगे हम तेल थोड़ा सा, ये लिया और ये हाथ में ये थोड़ा सा तेल लगाया और इसको गोल किया और इसको दबाया, शेप दिया और बीच में से इसे होल किया। देखिए तैयार हो गया ना हमारा शानदार वड़ा, मेंदू वड़ा हमारा रेडी हो गया। बस इसी तरह हम सारे वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया उतनी देर में, और ये हमारे वड़े भी तैयार हैं। ये देखिए शानदार। अब इसको मैं एक एक को इसमें छोड़ती जाऊँगी ये, और हमें उतने ही डालने जितने इसमें आसानी से आ जाए, ये बस। और इसे हम आँच को मीडियम कर देंगे, क्यों, तेज आँच होगी तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए ये हम इसमें हल्का हल्का रंग आने लगा है और ये फूलने भी लगा है। बस इसी तरह इसको धीमी धीमी आँच पर हम होने देंगे और पूरा पक जाएगा, रंग इसका सुनहरी हो जाएगा, तब हम इसे निकालेंगे। अभी हम इसे पलट दे रहे हैं, ये अब इसको होने देंगे थोड़ी देर। ये देखिए ये हमारे वड़े तैयार हो गए, कैसे बढ़िया सुनहरी हो गए। बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये हमारे शानदार क्रिस्पी मेंदू बड़े तैयार हैं, सूजी के मेंदू बड़े, इंस्टेंट फटाफट बनने वाले। और देखिए आपने देखा ना कितनी आसानी से फटाफट बन गए। बस इसी तरह आप बनाइए और एंजॉय कीजिए। और हाँ, मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए इसी तरह की फटाफट रेसिपीज़ के लिए।